हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल देसी मिजाज पे। आइए आज ये खूबसूरत सा ड्रिंक बनाते हैं। कितने खूबसूरत फूल है ना। ये है ब्लू बटरफ्लाई पी फ्लावर। इसके बारे में क्या मैं बताऊँ, ये खुद में ही बहुत ही अनोखा फूल है। बिल्कुल जादू है जादू। ये फूल जितना खूबसूरत है उतना ही गुणों से भरपूर भी है। इसकी चाय भी बनती है जो आप सीसीडी वगैरह में भी देखेंगे। बहुत ही कॉस्टली है ये, आपको ऑनलाइन हर जगह मिल जाएगा। टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो मैं आपको बता दूं कि ये है क्या। ये है अपराजिता के फूल। ये है अपराजिता की बेल जो आप घर में बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। बहुत ही मैजिकल फ्लावर है ये। आइए इसी को यूज करके आज एक मैजिकल ड्रिंक बनाते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, इस तरह के ड्राई फ्लावर्स मिलेंगे। मेरे को लगता है ये आपको 30-40 ग्राम 300 से 400 रुपए में मिलता है, तो इतना कॉस्टली लेने की ज़रूरत नहीं है। घर में बनाइए और शौक से पीजिए। इसकी चाय भी बनती है जो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है, आपको मैं लिंक डाल दूँगी। आपने अगर नहीं देखा है तो वहाँ जाके ज़रूर देखें और उसका फ़ायदा उठाएं। मैं इस तरह का एक जार ले रही हूँ, इसमें कुछ फूल डाल देंगे वो और डालेंगे गरम पानी। वैसे आप देखिए 5 मिनट हुए हैं अभी, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इन फूलों का काम नहीं है, उसके सारे गुण इसमें आ गए हैं। इसको छान लेते हैं। अब इसको मैं आइस ट्रे में जमा लूंगी। चलिए शुरू करते हैं बनाना। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आइए बनाते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले एक मौसम्बी और एक नींबू का जूस निकाल लूँगी। उसमें एक चम्मच चीनी मिला देंगे। जूस हमारा रेडी है। जूस में मिलाएंगे थोड़ा सा सोडा। ये हमारा आइस क्यूब्स है जो मैंने जमाए थे, तो डालते हैं। और अब है हमारा मैजिक टाइम, डालते हैं जूस। दिख रहा है आपको मैजिक? जी हाँ, ये कलर चेंज करता है ना, कितना खूबसूरत। आइए इसको गार्निश कर देते हैं टूथपिक से। फ्लावर को लगा दिया है मैंने, इसको ग्लास में लगाएंगे। रेडी है हमारा मैजिकल ड्रिंक।